नमस्कार, सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दादा नगर हवेली के रुदाना गांव में 4 अगस्त की रात भारी बारिश के चलते पानी का स्तर बढ़ गया, जिसके चलते विस्तार में आई कई इंडस्ट्री इससे प्रभावित हो गई। उन्हीं में से है निप्रा एवं सन मेटल इंडस्ट्रीज। बताया जा रहा है यह इंडस्ट्रीज उद्योगपति निर्मल जैन का है, जहाँ लाखों का माल हुआ जलमग्न। साथ ही पानी का बहाव इतना तेज था कि इंडस्ट्रीज के चारों तरफ बनी बाउंड्री का एक बड़ा हिस्सा भी टूट गया और इंडस्ट्री के कई माल सामान पानी के साथ प्रवाह हुआ। इस संदर्भ में हमने जब निर्मल जैन से संपर्क कर मामले की पूरी जानकारी लेने की कोशिश की, वह तब दानहा में नहीं थे, जिसके चलते हमें उनसे फोनो इंटरव्यू करना पड़ा और फिर उन्होंने हमसे पूरे मामले की जानकारी साझा की। देखिए हमारा यह रिपोर्ट। हाँ जी, निर्मल जैन जी, मैं हेमंत मिश्रा बात कर रहा हूँ सिलवासा न्यूज लाइन से। हाँ जी हेमंत जी। निर्मल जी, आपके इंडस्ट्री में लगभग पिछले कई वर्षों से लगातार बाढ़ के वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी काफी प्रॉब्लम्स हुए थे और अभी पिछले दिनों जो बारिश के बाढ़ आए हैं, इससे आपकी इंडस्ट्री में किस तरह की तकलीफ हो रही है, किस तरह की समस्या सामने आ रही है? पिछले 7 साल हमको फैक्ट्री लगा के हो गया है रुदाना में, और 4 बार बाढ़ आ गई है ऐसी जी। और आज तो इतनी कोई बारिश नहीं थी कि बहुत बारिश हो गई पूरे सिलवासा में। ये सिर्फ रुदाना में उधर ही जो बारिश हुई थी वही बारिश जी। हुई जी, जी। तो पीछे के जो खेतों का जो पानी आ रहा है उसका जो नाला है जी। जो रोड के ऊपर जो ब्रिज बनाया है, जो फॉरेस्ट नर्सरी के पास में जो ब्रिज बनाया है, वो ब्रिज जो है वो इतना नेरो बनाया है कि वो पीछे का जो पानी आता है उसको हम लेटर भी लिखते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी वालों ने उसकी साइज बढ़ाई नहीं है। कई बार उनको बोला भी है, लास्ट ईयर भी हमने लेटर दिया था, लेकिन कुछ एक्शन लिया नहीं। तो अभी भी आज जो कल सब फैक्ट्रियों में 4 से 5 फुट पानी था रात को जी। लास्ट अभी रखौली के आगे के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पर पिछले रात में बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई और 4 से 5 फुट पानी था। अभी उसके आगे एक जीतू डोरिया की होटल आ रही है, वहाँ के ब्रिज को जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ उस ब्रिज को बड़ा कर दिया था। एनीवे वो जो कर दिया वो अच्छा किया, लेकिन इसकी जो प्रायोरिटी थी उसको छोड़ दिया। ओके, जो ब्रिज के नाले में से यदि पानी नहीं जाएगा तो पानी तो रुका रहेगा, पानी रुका रहेगा तो लेवल बढ़ेगा जी। बिल्कुल, वो तो अच्छा है कि किसी के घर उतने लो लाइन पे नहीं है, नहीं तो घर डूब जाए सब 4 फुट में, तो कैसे रहे यार। जी जी जी, सही सही बात। फैक्ट्री में 4 फुट पानी। और इंश्योरेंस अभी करने के लिए कई कंपनी ने बंद कर दिया है इंश्योरेंस करना। हमारे को भी ना बोल दिया कि वो आपका इंश्योरेंस नहीं करेंगे, आप चौथा क्लेम दे रहे हैं अभी ये। ओके, तो हम आपको इंश्योरेंस में कवर नहीं करेंगे। ओके, मतलब इस तरह की समस्या भी हो रही है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो भी इंश्योरेंस करने से अभी फिलहाल मना कर दे रही है। क्यों करेगी? क्योंकि जिस फैक्ट्री में हर साल आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो क्यों करेगी इंश्योरेंस कंपनी जी। वो हाँ, पर इसके बारे में कोई ध्यान दे ही नहीं रहा पीडब्ल्यूडी वाला। और उसका लास्ट ईयर भी लेटर लिखा था हमने मामलेदार जी को कि इसको ब्रिज को इस नाले को बड़ा कराया जाए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हर साल रहेगी जी। आला अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे समाहर्ता हो गए, उप समाहर्ता हो गए, क्या इनसे भी आप लोगों ने बात करने की कोशिश की या कोई खत लिखकर या कोई पत्र लिखकर इनको? ऐसे इनसे कोई मीटिंग तो नहीं हुई, नए समाहर्ता साहब से इसके बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई हमारी, उनसे तो भी फॉलोअप नहीं किया मेरा। लेकिन पहले जो पीडब्ल्यूडी के हम लोग जान पहचान के थे, इसलिए वो बोया साहब को हमने फोन पे भी बताया था 2-3 बार उनको जी।
और बाद में जो नए ऑफिसर आए उनको तो हमने फोन पे फॉलोअप नहीं किया, लेकिन वहाँ के सरपंच को, अपना मारिया को, सबको बताया हमें कि ये हमारे को हर साल में ये फ्लड की प्रॉब्लम है जी। क्या इंडस्ट्री की पूरा ओके। और एक तो बंद है, निशान कॉपर वगैरह तो बंद है, लेकिन वो थोड़े ऊंचे लेवल पे बनी हुई है, लेकिन हमारे जो है फैक्ट्री में तो आज 5 फुट पानी आया था जी। मैं वीडियोस, जो भी वीडियोस हमारे वहाँ पे हैं जो हमें मिले हैं, उस हिसाब से जब हमने वीडियोस देखा वहाँ पर तो काफी भारी नुकसान भी हुआ जलमाल का। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने नुकसान हुए होंगे लगभग? नुकसान हमारा ही करीब 40-50 लाख का नुकसान होगा। तो जो सन मेटल है उसका मुझे आइडिया नहीं है, आप बात करेंगे उनसे तो मालूम पड़ेगा कि उनका कितना नुकसान हुआ। ये सिर्फ कंपाउंड वाल गिरी है, मशीनों में 4 फुट पानी आ गया है, तो 40-50 लाख से ज्यादा ही हुआ होगा नुकसान हमारा। अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्चुअल नुकसान तो कंपाउंड वाल भी कैलकुलेट कर रहे हैं जी। आखिरी चीज ये, हमारी 400 फुट की कंपाउंड वाल तो एक फैक्ट्री की गिरी है, और दूसरी की भी गिरी है, वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन एक ही फैक्ट्री की 400 फुट की 12 फुट हाइट की दीवार गिरी है। ओके। और सन मेटल की भी दीवार गिरी है, पानी का प्रेशर बहुत ही काफी रहा है। और जो रोड बनाया है उस टाइम पे, पहले कोई फैक्ट्रियां नहीं थी तो कोई कंप्लेन भी नहीं करता होगा, तो जो ब्रिज बनाया था वो नेरो बना दिया था, जो पानी जाने का फ्लो है वो तो तेज बारिश में देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को घूम के। तो तेज बारिश समाहर्ता महोदय से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्रशासन से क्या? समाहर्ता महोदय से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर को उस एरिया का सर्वे कराए कि कितना फीट पानी आया, क्योंकि अभी तो मार्किंग मालूम पड़ जाएगा, तो जो पेड़ की जो जड़े होती है या जो कचरा होता है वो ऊपर आके जमा हो जाता है, तो मालूम पड़ जाता है कितने फुट के लेवल तक रोड के ऊपर पानी आया। ओके बिल्कुल। और अभी खैर वो जो वो रात को था इसलिए वीडियो किसी ने लिया नहीं रात में कितना फुट, पर मेरे को लगता है रोड से भी 2 फुट ऊपर पानी गया होगा। ओके हाँ जी, आपकी बातों को हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, प्लीज करिए। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।